सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर बनी वेब सीरीज बोस डेड अलाइव का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में बोस के किरदार को जीवंत कर रहे राजकुमार राव का अभिनय इतना जबरदस्त है कि ट्रेलर देखते ही बनता है। किरदार में उतरने के लिए राजकुमार राव का बदला हुआ हेयर स्टाइल और अदाकारी छाप छोड़ते हैं। वेब सीरीज का निर्माण लटी बालाजी के प्रोडक्शन तले किया गया है और इसे इंटरनेट पर ही रिलीज किया गया है। वेब सीरीज 20 नवंबर को रिलीज की जाएगी। इसके डायरेक्टर हैं पुलकित और क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं हंसल मेहता। नए जमाने के सुपरस्टार हैं राजकुमार राव। राजकुमार राव इन दिनों जिस तरह से फिल्में चुन रहे हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो अगली पीढ़ी के मिडिल क्लास सुपरस्टार होंगे। चेहरे मोहरे और कटकाठी से राजकुमार राव स्टार भले न प्रतीत होते हों, लेकिन अपनी अदाकारी से वो आम आदमी के किरदार को अमर कर देते हैं। 2.5 मिनट की वेब सीरीज 2 मिनट 47 सेकंड की इस वेब सीरीज में भी जिस तरह राजकुमार राव ने अभिनय किया है, उसकी तारीफ की जा रही है। उनके उठने बैठने, चलने और बातचीत करने का अंदाज शानदार और बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस की तरह दिखता है। लाजिमी है कि इतने संवेदनशील किरदार को जीवंत करने के लिए राजकुमार राव ने काफी मेहनत और होमवर्क किया होगा। अंग्रेजी शासन काल का भी जिक्र है वेब सीरीज में। ये वेब सीरीज सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर बनाई गई है। फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और अंग्रेजों से उनकी लड़ाई और अंग्रेजी शासन काल का जिक्र है। फिल्म में उनके निजी जीवन पर भी प्रकाश डाला गया है। सुभाष चंद्र बोस की महिला दोस्त जिससे बाद में उनकी शादी हो गई थी, उसका जिक्र भी फिल्म में किया गया है।